हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन यार, यूपीईएस देहरादून पर हम कॉलेज रिव्यू ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन उस कॉलेज रिव्यू में मैं आपको इसके सारे कोर्सेज के बारे में अच्छे से नहीं बता पाया था। तो एक अलग वीडियो में हम इसके सभी कोर्सेज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ, अगर आप यूपीईएस देहरादून के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो इसके कुछ एडवांटेज भी हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले उन्हीं एडवांटेज की बात करते हैं। तो पहला एडवांटेज ये है कि कोई भी आपकी एडमिशन फीस नहीं लगने वाली है। अगर यूपीएस के जितने भी कोर्सेज है उसमें से किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कोई भी एडमिशन आप फीस आपको जो है वो नहीं लगेगी। अब अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। डायरेक्ट एडमिशन होगा, कोई भी अदर जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपका एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। डायरेक्ट 12th के बेसिस पर आपका जो एडमिशन है वो कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी जेई में लो मार्क्स भी है तो भी आपको जो है वो एडमिशन मिल जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप बीटेक में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट बात, अगर आप बीटेक में एडमिशन लेते हैं तो आपको कंफर्म सीएस यानी कि कंप्यूटर साइंस की जो ब्रांच है वो दे दी जाएगी। एडमिशन लेने के टाइम पे आपको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। साथ ही साथ अगर आप हॉस्टल्स ज्वाइन करते हैं तो हॉस्टल्स में भी आपको डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। अब आगे की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके सारे कोर्सेज के बारे में, ठीक है। तो इसके कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि ये ऑफर करता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, जिसमें आपका बीटेक आ जाता है, बीएससी आ जाता है, एमटेक आ जाता है, एमएससी आ जाता है, और इंटीग्रेटेड अगर आप बीएससी एमएससी करना चाहें तो भी आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस, इसमें भी आपका बीटेक आ जाता है, बीसीए आ जाता है, एमटेक आ जाता है और एमसी आ जाता है। अगर आप बीटेक में एडमिशन लेते हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ सीएस की ब्रांच आपको कन्फर्म तौर पर जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्कूल ऑफ डिज़ाइन, जिसमें बैचलर ऑफ डिज़ाइन, मास्टर ऑफ डिज़ाइन, इंटीग्रेटेड आपका बैचलर या फिर मास्टर ऑफ डिज़ाइन भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोर्सेज की, स्कूल ऑफ बिजनेस, स्कूल ऑफ बिजनेस में आपके कौन कौन से कोर्सेज हैं, जैसे कि बीबीए हो गया, बीए हो गई, बीकॉम हो गई, एमबीए हो गया, इंटीग्रेटेड बीबीए या फिर एमबीए, इंटीग्रेटेड बीकॉम ऑनर्स या फिर एमबीए हो गया, ये सारे कोर्सेज स्कूल ऑफ बिजनेस में आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें स्कूल ऑफ लॉ में, तो यहाँ पर बीए बीकॉम बीबीए एलएलबी ऑनर्स हो गया, बीटेक एलएलबी हो गया, बीए लीगल स्टडीज हो गया, एलएलबी 3 साल की जो हो गया, एलएलएम हो गया, ये सब आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज की अगर बात की जाए तो इसमें काफ़ी सारे कोर्सेज आपके मिल जाएंगे, जैसे कि बी फार्मा, फार्मेसी, न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, क्लिनिकल रिसर्च, बायोकेमिस्ट्री, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड बी फार्मेसी करना चाहें तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, और भी हेल्थ साइंसेज में काफ़ी सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्कूल ऑफ मॉडर्न मीडिया, जिसमें जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं, डिजिटल एंड मास मीडिया, सिनेमा स्टडी, कम्युनिकेशन रिसर्च, पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिकेशन के ऊपर भी यहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं। लास्ट अगर हम देखें तो ये नया ऐड किया गया है स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज़, इसमें बीएससी इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंस, बीएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स इन बिहेवियर साइंस, बीएससी फिजियोलॉजी एंड कॉग्निशन, सॉरी साइकोलॉजी एंड कॉग्निशन, बीएससी पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स एंड एनालिटिक्स, बीए लिटरेचर तक यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज हैं, इनमें से किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहें तो आप यूपीईएस देहरादून के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, इसके ऊपर कॉलेज रिव्यू ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। आप यूपीईएस देहरादून कॉलेज रिव्यू स्टडी स्किल सक्सेस करके सर्च करेंगे तो आपको जो है वो मिल जाएगा। अब कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है ताकि आपको जो मैंने स्टार्टिंग में एडवांटेज बताए वो सारे एडवांटेज मिल जाए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर सबसे पहले आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार की विंडो आपके सामने खुल कर आएगी, जिसमें आपको आपका सेशन ईयर सेलेक्ट कर लेना है, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डाल देना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और आपका जेंडर डालना है। नेक्स्ट अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको कुछ डिटेल्स भरनी होगी, जैसे कि आप किस कंट्री से हैं, किस स्टेट से हैं, किस सिटी से हैं, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, आपकी लास्ट अटेंड जो आपने जहां से स्कूल या फिर कॉलेज किया था उसकी डिटेल्स आपको भरनी होगी। इसके अलावा अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट या फिर पीएचडी हैं, क्या करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं ये आप सिलेक्ट करेंगे और इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर कुछ कोर्सेज होंगे, उसमें से सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करके आपके फॉर्म को आपको वहीं पर छोड़ देना है, एंड हमारी जो टीम होगी
वो आपकी टीम, वो जो आपके फॉर्म को है वो ऑटोमेटिकली जो है वो फुलफिल कर देगी, और आपका जो रजिस्टर्ड मेल या फिर रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पर पूरी डिटेल्स जो है वो आपको सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट भी रहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक नंबर भी दिया है, उस नंबर पर 24x7 कभी भी कॉल करके आप अपने जो डाउट्स हैं उनको जो है वो सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही पूरी डिटेल्स UPES देहरादून के बारे में, उसके सारे कोर्सेज के बारे में। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी उसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही वीडियोस एंड कॉलेज रिव्यूज़ आगे भी चैनल पर आते रहेंगे, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।